रहीम, मेरा नाम निता है और मैं क्लास सेकंड ग्रेड की चलता हूँ और आज मैं आपको पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में बताऊंगी। इंसान अकेला नहीं रह सकता, वो अपने जरूरत से को पूरा करने के लिए इंसानों के हमरा रहने पर मजबूर है। इसी तरह कोई भी रियासत अकेली नहीं रह सकती, वो दूसरे रियासतों से ताल्लुकात कायम करने की जरूरत महसूस करती है। यही चीज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी शामिल है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी न सिर्फ अपने हमसाय ममालिक के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखती है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा से चाहा है कि वो अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा। जिसमें दोनों ममालिक दोस्ती के टूटे जिन्हें बन गए 1949 में अवामी जमहूरिया चीन का क्याम के बाद हिमाचल व बाकी पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर दिया। पाकिस्तान में दोस्ती बरकरार रखने के लिए 1957 में शहर रेशम को तमीम किया गया जो एक पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। इसमें सबसे बड़ा मनसूबा बनाया गया सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटर, जिसमें हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम सुभाष ने मुझे बताए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। शहर से मीठा है, पहाड़ से ऊंचा है और समंदर से गहरी, ये दोस्ती है। और पाकिस्तान की हमेशा तालिका के बारे में बताऊंगी। अफगानिस्तान पड़ोस एशियन मुल्क है, दोनों ममालिक की हद 1452 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान मुझे युद्ध में आया तो दोनों ममालिक के दरमियान तालुक छुआ नहीं थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी देर बाद तस्लीम किया। 1948 में पाकिस्तान तालुक की इज्जा हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान की मुल्क से जिसने पाकिस्तान खुशी की जाए इसराब का इजहार किया। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे तालुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान का रवैया मनफी रहा। अफगानिस्तान पहाड़ों की तरफ चारों तरफ से मुश्किल वगैरह का मुल्क है, समुद्र तक रसाई हासिल नहीं है। दोनों ममालिक तालुक के क्याम में अफगानिस्तान को दुश्वारी पेश आ रही थी। हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रहदारी की सहूलत देने का ऐलान किया। पाकिस्तान के बाद ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। मसला कश्मीर में भी ईरान ने हमारे भरपूर साथ दिया, जैसे कि अब सलाब है तो उसमें ईरान ने हमें हमारी भरपूर मदद की, हमें काफ़ी इमदाद मुहैया की। उसके बाद साथ ही मैं आपको भारत के साथ तल्लुकात बताऊंगी। 1947 से लेकर 2009 तक भारत के तल्लुकात हमारे शिबो फ्राइज रह चुके हैं। मसला कश्मीर की भारत और हमारे दरमियान सबसे बड़े फसाद की जान है। मसला कश्मीर की वजह से कहते हैं